हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट आउट ऑफ अ बैड मूड, यानी कि एक बुरे मूड से हम बाहर कैसे निकलें उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बुरे मूड के अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम दो चीज़ों के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप सीखोगे कि ये जो हमारा दिमाग खराब होता है, मूड खराब होता है, उसका मेन कॉज क्या है, रीज़न क्या है, और फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस मूड से, खराब मूड से बाहर निकल सकते हैं, वे आउट ऑफ अ बैड मूड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन कॉमन से कॉजेस के बारे में कि बेसिकली ये कॉमन कॉज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कॉमन कॉज के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा इंटरनल फैक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर की अगर हम बात करें, हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर तो मूड हमारा खराब हो जाता है। इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम या फिर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अच्छी लाइफस्टाइल को, केवल खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आपका जो मूड है वो खराब हो जाए। ये तो कारण हो गया आपका इंटरनल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सटर्नल कारण भी होते हैं, जैसे कि आपकी जॉब ऐसी है कि बिल्कुल टेंशन में आप रहते हो, हमेशा आपके ऊपर प्रेशर होता है, और कभी कभी एक्सटर्नल जो कारण है उसमें ब्रेकअप, और इसके अलावा हम कभी कभी फैमिली मेम्बर से फाइट भी करते हैं। ज़्यादातर अक्सर यंग एज में ऐसा होता ही है बच्चों के साथ में, वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, फाइट करते हैं। इस वजह से क्या होता है, मूड खराब होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कॉमन कॉज, यानी कि हमने ये तो जान लिया कि मूड खराब होने का कारण क्या है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, और क्या ये पॉसिबल है कि हम इंस्टेंटली इस चीज़ से बाहर आ जाएं? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ तरीके बताऊंगा मैं, दो तरीके होते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होगा इमोशनल। तो फिजिकल में आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल के लिए आप सबसे पहले डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जैसे मतलब आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा कि जब आप अपना फोकस अपने ब्रीदिंग पे लाते हो तो बाकी चीजों से ध्यान हट जाता है, और सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अपने पैरों को है ना बिल्कुल दीवार के सहारे बिल्कुल टिका लो। अब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो बिल्कुल पैरों को क्या करो, आप दीवार के सहारे बिल्कुल टिका लो, तो क्या होगा, फिजिकली आप वहां पर एक्टिव हो जाओगे, आपका माइंड वहां पर चला जाएगा। आप क्या कर सकते हो, आप जंपिंग रोप्स की एक्टिविटी कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, अगर आपका मूड खराब है तो बिल्कुल बाहर घूमने चले जाओ। आप क्या कर सकते हो, अपने जो टंग है, जो जीभ है, उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट करने के बारे में सोच सकते हो, 30 सेकंड से 60 सेकंड तक कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपनी टंग को करना है आपको। फिर पानी पी सकते हो आप, और आपको अपने फिजिकल कॉन्टेक्ट में सेल्फ मसाज कर सकते हो, जैसे ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कर लिया हमने, ये कर लिया हमने, इस तरीके से राइट, इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया बॉडी को, तो फिजिकल आपने क्या किया, आपने वर्कआउट कर लिया इंस्टेंटली। तो क्या होता है ना, मूड में परिवर्तन होता है, चॉकलेट खा लिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ चीज़ें हैं जो इमोशनली बैलेंस कर सकती हैं आपको। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ पे रोना आ रहा है ना, आप रो लो यार, उससे क्या होगा, आपका जो दिमाग है, जो मन है, वो हल्का हो जाएगा। क्राई इट आउट, वॉच फील अ गुड मूवी। अगर आपका मूड ज़्यादा ही ख़राब है, कुछ अच्छी सी मूवी देखो, मूड चेंज करने के लिए आप ये ट्राई कर सकते हो। आप एक 60 सेकेंड का टाइमर यूज़ कर सकते हो, और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग जो आप कर सकते हो उसके अंदर करने की कोशिश करो। 60 सेकेंड्स के अंदर कुछ आप बोलने की कोशिश करो टाइमर के अकॉर्डिंग, मेडिटेट कर सकते हो, अपने फिंगर पल्सेस को मेडिटेट कर सकते हो, फिंगर्स के थ्रू कुछ चीज़ ट्राई कर सकते हो, और इमोशनल जो है आप टैपिंग कर सकते हो अपने ब्लॉक्स को, इस तरीके से पैरों से आप कर सकते हो। इसके अलावा जो हार्ट है वो अपने अपने लिपस्टिक
जो है उसको आप क्या कर सकते हो, अपने फेस के साथ लिप स्टिक कर सकते हो, मतलब एक हार्ट बनाया और उसको आपने चूमा तो आपको अच्छा फील होगा, राइट। एक हार्ट बनाओ और अपने फेस के पास ला करके उस पर क्या किया आपने, उसको किस किया। इसके अलावा आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, एक लाउड म्यूजिक सुन सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से बैड मूड से बाहर आ सकते हो। तो दो चीजों के बारे में हमने चर्चा करी कि सबसे पहले बुरे मूड का कारण क्या है, रीजन क्या है, कॉज क्या है, कॉमन कॉजेस मैंने बताया इंटरनल एक्सटर्नल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इसे बाहर निकल सकते हैं, जिसमें फिजिकली भी हमने बात करी और इमोशनल भी बात करी। तो दोनों ही चीजें आई होप कि आपको समझ आई होंगी कि इमोशनल क्या होता है और फिजिकल क्या होते हैं, दोनों ही चीजों को आप समझ पाए होंगे। छोटी छोटी एक्टिविटी हैं, हम क्या करते हैं, हम हमेशा उन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं। आपको कुछ एक्टिविटी करना है, वहां से फोकस हटाना है, मेन रीजन यही है, आपको अपना फोकस वहां से हटाना है तो जाकर के आप नई चीजों पे फोकस कर पाओगे। सो आई होप कि ये जो सेशन है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेसियस टाइम। एट द लास्ट गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।